टू द व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो मेरी फ्लाइट है 11:30 की फ्रॉम हैदराबाद ओनली। मतलब मुझे यहाँ से हैदराबाद से द एयरपोर्ट इज़ आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स अवे। तो मुझे यहाँ से एक घंटा मैक्सिमम लगेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में ऊबर बुक करती हूँ और हिमांशु इज़ गोइंग टू करीमनगर बैक। और मैं ये सोलो ट्रिप करने वाली हूँ और आगे सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग, फर्स्ट टाइम ही अलोन तो मैं गई हूँ, फर्स्ट टाइम गोइंग टू पंतनगर। और लेट्स सी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे टाइमली जाना पड़ेगा। तो मैं नहा धो के पूरा रेडी हुई हूँ, चाय हमने पी ली है। तो नाश्ता मैं लॉन्च में कर लूँगी जैसा भी टाइम रहता है। तो चलो वहीं मिलते हैं। निकल रही हूँ और हिमांशु जा रहे हैं अपने, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है यार अकेले जाने में। कॉल करूँगी पहुँच के, ठीक है, बाय। और मुझे मिल जाएगी गाड़ी तो बता देना। बाय बाय। से निकल गई हूँ और मुझे यहाँ से आने लगेगा अभी 35 मिनट्स। और मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँगी, बट देखते हैं कि यार कितना टाइम लगता है। सुबह के टाइम पे थोड़ा रश रहता है, सो इस फीलिंग रही एयरपोर्ट। फाइनली आई डन द चेक इन। और एक प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा 30 किलो सामान हो रहा था और कैसे तैसे उनको मनाया। और ये बैग आई एम कैरिंग इन माई शोल्डर्स जो कि बहुत ज़्यादा भारी है यार, बहुत ज़्यादा। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना सामान निकालने से बेटर है कि आप कैरी कर लो। एंड मुझे लगा था कि मास्क बंद हो गया होगा, बट नो यार अभी भी नहीं है। अच्छा मैंने एक रख लिया था टेम्प्रेरी। सो डायरेक्टली नाउ आई एम गोइंग टू द लाउंज, क्योंकि मेरे पास अभी 1.5 घंटा है पूरा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे देहरादून से अपना सामान दोबारा कैरी नहीं करना पड़ेगा। आई विल मीट यू देयर। सो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे आ गई। तो मैंने इतना सारा खाने का सामान ले लिया है, दोबारा मैंने ये वाली चीज़ और खाने को ले ली, फिर लास्ट में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। सो चलो चलते हैं फटाफट। वी गोइंग फॉर द बोर्डिंग। और बहुत जल्दीबाजी हुआ यार, मुझे लेट हो गया। सो यस लेट्स गो। Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah. Guys, I have reached the Dehradun. Or यहाँ का airport is quite small as compared to others. But ठीक है, बहुत अच्छा है। इतनी सहूलियत तो मिल गई है। So let's see what happens. इसके बाद मुझे जाना है पंतनगर, सॉरी देहरादून से पंतनगर। मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। देन वी विल गो टू घर डायरेक्टली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बड़ी हिमांशु भी काफ़ी याद आ रही है यार अकेले अकेले। ऑल दो प्लस ये प्रीमियम लॉन्च मैं जा सकती थी, बट आई डोंट वांट टू यूज़ ट्वाइस द कार्ड, क्योंकि वापसी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज इट, ओनली दिस मच एंड ओनली वन गेट इज फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम अदर साइड। प्लेन इज सो स्मॉल, बहुत ही छोटा है। ओनली फॉर 20 members, दैट्स रियली फनी। या यू मेस मी अप इनसाइड। गाइस आई हैव रीच्ड पंतनगर एंड देयर इज नो बैगेज काउंटर। तो अभी एक एक करके सबका बैगेज आ रहा है और वो देते जाएंगे, हम निकलते रहेंगे। एंड यू नो एयरपोर्ट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत क्यूट सा। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे अपना बैगेज काउंटर ले रहे हैं सब लोग, ओपन है। And only this is. देखिए वो कलेक्ट करना है, फिर वहाँ जाना है, बहुत काम है, फिर मकान में जाएंगे चक्कर। So guys finally reached Nainital. Guys so finally मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, वो भी सोलो ट्रिप हैदराबाद टू उत्तराखंड। और जो कि मेरा बहुत ही हेक्टिक रहा है। सुबह के 8 बजे से मैं निकली थी और करेक्ट 8 बजे मैंने घर में कदम रखा। और इतनी ठंड हो रही थी, मैं खाली टी शर्ट पहन के आई थी, मुझे बहुत ठंड लगा। और यार बस हो गया, अभी मैं इस व्लॉग को ही पेंड कर रही हूँ। कल से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे जो कि आपको आई मस्ट से अच्छे लगेंगे।
और दिवाली का आप देखोगे इतनी रौनक हो रही है ना, इतनी ज्यादा, मतलब जब मैं हल्द्वानी से प्यार से मैंने देखा इतनी सारी शॉप थी, इतना सुंदर लग रहा था ना यार। मेरे पास ज्यादा मतलब फोन में बैटरी नहीं थी तो मैंने ज्यादा व्लॉग नहीं किया, और ठंड से मैं वैसे ही मर रही थी। तो बस अभी आप देख सकते हो ये सब पहन के बैठ गई है, मुझे थोड़ा काम करना है ऑफिस का। सो विल मीट यू टुमारो, टिल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।